आपने टेम्पलेट तो सेलेक्ट कर लिया और आप श्योर sure, के वेबसाइट बिल्डर के ऊपर अपने तौर पे प्ले अराउंड भी कर रहे होंगे अगले एक सेशन में चल के मैं आपको चंद ऑप्शन बताऊँगा कि वेबसाइट बिल्डर में क्या चीज़ किस तरीके से करनी है लेकिन उससे पहले सेशन में आई वुड लाइक टू टेल यू कि हाउ टू कनेक्ट अ डोमेन डोमेन का मतलब ये होता है कि जो एड्रेस यानी कि वेबसाइट एड्रेस आप देना चाहते हैं अपने इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को जो जिसके ऊपर यू आर प्लेइंग अराउंड एट द मोमेंट वो किस तरीके से किया जाता है एक तो तरीका ये है कि आप वेबसाइट होस्टिंग जो वेब पेजेस हैं उसके ऊपर जाके आप एक एड्रेस ख़रीदते हैं उसकी सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं होस्टिंग राइट्स खरीदते हैं एंड देन यू कैन कनेक्ट इट विद द विक्स वेबसाइट दूसरा तरीका ये है कि यू कैन यूज़ द विक्स होस्टिंग प्लेटफॉर्म जी हाँ विक्स आपको ये भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि जस्ट ऑन वन क्लिक आप अपना वेबसाइट एड्रेस सेलेक्ट कर लें और होस्टिंग ऑटोमेटिकली विक्स अपना अपने तौर पर खुद उसको देख रहा होता है और आपसे मंथली तौर के ऊपर चार्ज कर रहा होगा दो ढाई तीन हज़ार रुपये जो भी उनकी चार्जिंग फीस है और वो आप उसको पे भी कर रहे हैं विक्स ही का प्लेटफॉर्म है जो उसको होस्ट कर रहा है और एड्रेस लेना यानी डोमेन एड्रेस लेना भी बहुत आसान है ये कैसे होता है आइए ज़रा थोड़ी सी उसके ऊपर नजर डालते हैं जब आप बिल्डर को यूज़ करें तो आप देखिए कि टॉप साइड के ऊपर आपको डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रही हैं इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन है सेटिंग की और सेटिंग में जब आप अपना माउस कर्टर लेके जाएंगे तो वहाँ कनेक्ट डोमेन की एक ऑप्शन है कि जिसके ऊपर आपने क्लिक करना है जब आप कनेक्ट डोमेन के ऑप्शन में, में क्लिक करेंगे तो विक्स विल ओपन द डैशबोर्ड आपके सामने के जिसके अंदर डोमेन के ऑप्शन को ऑटोमेटिकली उसने सेलेक्ट किया हुआ होगा और यहाँ आपसे दो सवाल पूछेगा जो बड़े ही आसान है एक ये कि आपने अपना नया डोमेन नेम खरीदना है जो आप में से ज़्यादातर लोग करेंगे और दूसरा ये कि आपके पास ऑलरेडी एक डोमेन एग्जिस्ट करती है यानी कि वेबसाइट एड्रेस एग्जिस्ट करता है और आप उसी एड्रेस को यूज़ करना चाहते हैं और उसको अटैच करना चाहते हैं विक्स की इस वेबसाइट के साथ जो आप अभी बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू बाई विल क्लिक ऑन द फर्स्ट ऑप्शन उस में क्लिक करने के बाद आगे मेरे सामने एक सर्च बार खुल गई है और फॉर सेकंड अगर आप ये कहते हैं कि जी मैंने आ, कोई डोमेन नहीं खरीदनी है मैं चाहता हूँ कि विक्स डॉट कॉम की जो अपनी जैसा वर्ल्ड प्रेस का एक अपना लिंक होता है इसी तरीके से विक्स डॉट कॉम का अपना लिंक जो है वो मैं यूज करना चाहता हूँ फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप इस टॉप तो पे देखें तो यहाँ आपको एक बाई डिफॉल्ट वेब एड्रेस लिखा हुआ नजर आ रहा है जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स विक्स यूज कर रहा है एंड यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर एड्रेस इन ऑर्डर टू एक्सेस योर वेबसाइट ये ऑलरेडी होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे विक्स पे अवेलेबल है जो वेबसाइट आप बना रहे हैं लेकिन अगर आपने नई वेबसाइट नए एड्रेस के साथ लॉन्च करनी है तो फिर सर्च बार के अंदर आप एड्रेस लिखते हैं जो आप चाहते हैं यूज़ करना एग्जैक्टली इट वर्कस लाइक जस्ट अदर होस्टिंग वेबसाइट कंपनीज कि जहाँ आप डिफरेंट वेब एड्रेस लिखते हैं जैसे गो डैडी डॉट कॉम है वहाँ आप डिफरेंट वेब एड्रेस लिखते हैं एंट्रे करते हैं फिर वो आपको बताता है कि वेब एड्रेस अवेलेबल है या नहीं है सेम थिंग गोज ओवे कि आप यहाँ वेब एड्रेस लिखेंगे और विक्स डॉट कॉम देखेगा कि क्या वो एड्रेस अवेलेबल है अगर तो है देन यू कैन सेलेक्टेड एज ए डोमे नम तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट का एड्रेस हो डब्ल्यू 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 डॉट क्लिनिंग डॉट कॉम जिसमें हम क्लिनिंग टेम्पलेट को यूज़ कर रहे थे तो अब क्लिक ऑन सर्च में देखता हूँ कि क्या ये पर्टिकुलर वेब एड्रेस है डोमेन अवेलेबल है तो डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट क्लिनिंग डॉट कॉम इज नॉट अवेलेबल लेकिन मुझे डिफरेंट ऑप्शन जो है वो यहाँ प्रोवाइड कर रहा है वैक्स इसको अगर मैं चेंज करूँ तो आई विल राइट डब्ल्यू 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 डॉट यासर क्लिनिंग कंपनी डॉट कॉम मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल होगा होपफुली किसी ने दुनिया में इसको यूज़ नहीं किया यस इट इज़ अवेलेबल तो ग्रीन uh, के अंदर ये आ गया देन आई क्लिक ऑन गेट इट बटन और गेट इट बटन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ आपसे अपग्रेड की ऑप्शन जो है वो आपके सामने फिक्स दे रहा है कि जिसको यू विल यूज़ इट एंड यू विल बाय द सब्सक्रिप्शन प्लान और सब्सक्रिप्शन प्लान जैसे ही आप बाइक करेंगे तो होस्टिंग सर्विसेज भी आपको मिल जाएंगी और साथ साथ आपको अपना डोमेन नेम भी मिल जाएगा जब आप अपग्रेड नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान हैं वस जो है वो आपको अपीयर कर देगा अब यहाँ आपके सामने जो मोस्ट पॉपुलर प्लान जो उसने सेलेक्ट किया आटोमेटिकली किया व साढ़े बारह डॉलर पर मंथ का कि जिसके ऊपर आपको बैंड वेट्स अनलिमिटेड मिल रही है दस जी बी की स्टोरेज मिल रही है और इसके अलावा डिफरेंट और चीज़ें हैं कि जो आपको मिल रही होती हैं अगर तो आप ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं तो फिर दिन यू विल एक्चुअली यूज़ दिस ई कॉमर्स सब्सक्रिप्शन प्लान जकरीबन साढ़े सोलह डॉलर का है लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड जनरल वेबसाइट चलानी है तो फिर ये वाला प्लान इट्स गुड इनफ अब यहाँ मैं आपको एक पाकिस्तानी ट्रिक बताता हूँ होपफुली इट विल वर्क क्योंकि मैं अक्सर उससे फ़ायदा उठा चुका हूँ और अगर ये नहीं भी काम करती तो प्लीज़ आई आई अपोलोजाइज इन एडवांस लेकिन ये ट्रिक ये है कि आप जब इस स्टेप के ऊपर पहुँचेंगे तो आप डिफरेंट ऑप्शन को देखिए और उसको स्टडी करें और स्टडी करने के बाद अभी इसमें से कोई ऑप्शन आप सेलेक्ट ना करें ना ही कोई अभी प्लान जो है उसको आप खरीदें आप वापस टेम्पलेट में जाएँ वेबसाइट बनाएं और ज़रा एक दो दिन अपनी वेबसाइट को आ, रोबस्ट बना लें और एक अच्छी वेबसाइट बना लें क्योंकि ऑलरेडी वो होस्टेड है और आपके पास उसका वेब एड्रेस मौजूद है आपको विद इन वन डे और टू डे वीक्स की तरफ से ईमेल रिसीव होगी कि इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर सब्सक्रिप्शन प्रोसेस आ, वी ऑफर यू फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन प्लान ये मेरे साथ तो अक्सर हो चुका है तो मैं इसी वजह से अब जब भी कोई वेबसाइट बनाता हूँ तो मैं हमेशा एक दो दिन वेट कर लेता हूँ डोमेन के इस पर्टिकुलर स्टेप पर पहुँचने के बाद और विक्स का जो मार्केटिंग ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली पिक करता है कि द बायर जो यानी कि जो मैं हूँ वो लास्ट स्टेप के ऊपर जाके लूज़ हो रहा है तो वो मुझे ऑफ़र करते हैं कि 50 परसेंट डिस्काउंट आप ले लें और डिस्काउंट लेके आप सब्सक्रिप्शन जो है वो कर लें और अक्सर मैं 50 परसेंट के ऊपर उसको सब्सक्राइब करता हूँ तो यही साढ़े बारह डॉलर अक्सर आपको छः या सात डॉलर पर मंथ के ऊपर मिल जाता है विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड बार्गेन इसको ज़रा ट्राई करें और देखेंगे क्या आपको भी कोई विक्स की तरफ से ई रिसीव होती है और अगर वो होती है और 50 परसेंट डिस्काउंट है तो उसका फायदा उठाएं एंड दिस इज़ हाउ यू कनेक्ट द डोमेन और इतना आसान है इस डोमेन को आ, यूज़ करना आप सब्सक्रिप्शन प्लान को यूज़ करेंगे आपका नाम ऑटोमेटिकली वेबसाइट का सिलेक्ट हो जाएगा होस्टिंग ऑटोमेटिकली बैकहेंड के ऊपर हो रही है तो बेसिक तरीके से जो वेबसाइट बनाने का पूरे का पूरा स्टेप है वो यहाँ वन क्लिक के ऊपर सब कुछ सब हो रहा है आ, कुछ लोग इसके ऊपर आर्ग्यू करेंगे कि ये इवन मे बी आफ्टर फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट ये थोड़ा सा महंगा सब्सक्रिप्शन प्लान है uh, लेकिन आपके पास वर्ड प्रेस की ऑप्शन भी मौजूद है आपके पास दूसरी ऑप्शन भी मौजूद है। दिस इज़ जस्ट अनदर ऑप्शन शॉपिफाई की तरह ये भी एक ऑप्शन है मैं इसको इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि इसके जो टेम्पलेट्स हैं वो मुझे बहुत पसंद है और ओवरऑल इंटरफ़ेस इज़ ऑल्सो वेरी गुड